कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में रोड शो के माध्यम से कांग्रेस में जोश का मंत्र फूंका। एयरपोर्ट से लेकर रामलला मैदान तक कांग्रेस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई। चुनावी साल होने के कारण टिकट के दावेदारों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी का जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ भी स्वागत किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो के बाद रामलला मैदान से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के दौरान छोटे दुकानदार और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। सचिन पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद, पायलट साहब जिंदाबाद, सेवा दल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सेवा दल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सेवा दल जिंदाबाद, सेवा दल जिंदाबाद। किशनपुर बाजार से इस बार एक ही नाम ज्योति खंडेलवाल, ज्योति खंडेलवाल। सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव को मनाने के दोस्तों, आज गुलाबी नगरी, ऐतिहासिक गुलाबी नगरी में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उपरांत को लेकर आप यहां आए हैं शिक्षक जी और न्याय और इंसाफ आपको सफलता दे के जान लगा देंगे, अपने खून पसीने बहा देंगे, लेकिन भारत मां की सेवा करने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवादास्पद बयानबाजी के बाद राहुल गांधी ने एक मंच पर एकजुटता का संदेश दिया।
राहुल गांधी ने मंच पर ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट को गले मिलने के लिए कहा। मंच पर गहलोत और पायलट हंसकर गले मिले। ऐसा देखकर मंच पर खड़े सभी नेताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी। लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, मगर वहां खुश नहीं हुए। कहते अभी बड़े उद्योगपतियों की, अमेज़न की, इन लोगों की और मदद करनी है। चलो भैया, गब्बर सिंह टैक्स लाते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। हमने कहा था जीएसटी लागू होनी चाहिए, मतलब एक टैक्स, एक देश के लिए एक टैक्स। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अलग अलग लेवल्स के टैक्स का जीएसटी बना दिया, गब्बर सिंह टैक्स बना दिया। और जो नोटबंदी से लोग बच गए उनको गब्बर सिंह टैक्स में मार दिया, खत्म कर दिया। कैंपेन में बड़े बड़े वायदे करते हैं, देश को बदलने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लिस्ट बना के हिंदुस्तान के सामने पड़ी थी, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखा दूंगा, याद है आपको? भूल गए? दो करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। किसानों को सही दाम मिलेगा। महिलाओं की रक्षा होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान की सड़कों को साफ कर दूंगा। स्वच्छ भारत लिस्ट है।